आज कोई चाहता है कि परमेश्वर मेरा रिश्ता बन जाए, आज कोई चाहता है मैं लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह पाऊं, आज कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ूं, आज कोई चाहता है कि परमेश्वर का हस्तक्षेप मेरे जीवन में हो, तो इस बात को समझ जाइए, गॉड का अटेंशन पाना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो विनम्र है। परमेश्वर यद्यपि महान है, किंतु जो लोग विनम्र हैं वो उसका अटेंशन खींच लेते हैं। जो लोग हम्बल हो जाते हैं, जिनमें ह्यूमिलिटी आ जाती है, परमेश्वर का ध्यान वो खींच लेते हैं। कभी किसी बहुत अमीर बड़े व्यक्ति का ध्यान खींचना हो तो लोग या तो बहुत टैलेंटेड हो, या खुद बहुत नामी हो, या उनमें कुछ अट्रैक्टिव हो, या वो बहुत अमीर हो, ऐसी कोई बात हो सकती है। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, अगर उसका ध्यान किसी व्यक्ति की अवस्था की तरफ जाता है तो वो अवस्था होती है जब वो व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है। परमेश्वर का वचन बार बार हमको बताता है, बाइबल में कई ढंग से लिखा है कि नाश से पहले हमेशा किसी व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है। परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाओ और परमेश्वर तुमको खुद उठाएगा। जब ये मैं पंक्ति पढ़ रहा था, बहुत स्ट्राइक की मेरे को कि परमेश्वर महान है, बट ही ऑब्जर्व्स, वो ध्यान देता है एक ऐसे व्यक्ति में जो विनम्र है। नाउ थिंक अबाउट इट, आप जो भी हो, आप में से बहुत से हो सकता है कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से आपने कभी अपने जीवन में उसके प्रेम को अनुभव नहीं किया है, कभी आप उसको जानते नहीं, हो सकता आपने अभी तक अपना जीवन उसके चरणों में दिया नहीं है। आज हो सकता आपके मन में सवाल हो, अगर गॉड है तो क्या मेरा रिलेशनशिप उससे बन सकता है, क्या मैं उस गॉड को जान सकता हूँ, क्या उसकी विल रिवील हो सकती है, क्या मेरे जीवन में रुचि रखता है। मैं बता दूं, आप दुनिया में कोई भी हो, नो मैटर हु यू आर, एक अवस्था है जो सीधा परमेश्वर का ध्यान खींच के आपकी ओर ले जाएगी। हमें से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का हाथ, उसका हस्तक्षेप, उसका प्रेम अपने जीवन में चाहते हैं, परंतु इस बात को समझिए, जब तक एक व्यक्ति कठोर होता है, जब तक अपने ही सोच की मूर्ति की पूजा करता रहता है, जब तक उसके अपने विचार उसकी मूर्ति है, ऐसे लोग परमेश्वर का हस्तक्षेप अपने जीवन में नहीं देख सकते, उल्टा परमेश्वर ऐसे लोगों को रेजिस्ट करता है। एक अवस्था है जो गॉड का अटेंशन नहीं, गॉड की मर्सी भी किसी व्यक्ति के जीवन में लेके जाती है। ये एक ब्रोकननेस की अवस्था है, ये एक ऐसी अवस्था जब आदमी को एक्चुअल में होश आता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने देखा है बहुत से लोग अगल बगल बहुत अच्छे हैं, बहुत से अविश्वासियों को देखा है बहुत अच्छे, परंतु उनके बारे में एक चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, उनको अपने अच्छाई पर बहुत घमंड है, और ये घमंड उनको परमेश्वर का दुश्मन बना देता है, ये घमंड उनको ऐसा कठोर कर देता है परमेश्वर की तरफ, क्योंकि उनको लगता है दे आर गुड इनफ। बट जो एक विनम्र व्यक्ति है ना, उसको इस बात का एहसास है, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत है। इससे अच्छा कुछ नहीं है जो आदमी को प्रेयर करना सिखाता है, आई नीड ग्रेस, मुझे जीवन में ग्रेस चाहिए, मुझे परिवार में ग्रेस चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री में ग्रेस चाहिए, मुझे अपने काम में ग्रेस चाहिए। बहुत से लोग प्रेयर नहीं कर पाते, एक्चुअली में ये भी एक बहुत प्राइडफुल स्टेट है, कुछ लोग प्रेयर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ब्रोकन व्यक्ति को प्रेयर कोई नहीं सिखाता है। He has come to a point where he needs grace, उसको अनुग्रह की जरूरत है। और जो लोग घमंडी है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे नीड हेल्प, वो दिखाएंगे आई कैन डू इट माई सेल्फ, मुझमें ही वो भरपूरी है, मैं इनफ हूँ। वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी जब उस अवस्था में पहुंचता है जहां वो सही में परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाता है, ना केवल गॉड का अटेंशन खींच लेता है, परंतु गॉड उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते उस व्यक्ति को उस अवस्था से उठाने के लिए। देखिए, जब गॉड किसी घमंडी को सजा देते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते कि उसको बर्बाद कर दे, वो इसलिए देते हैं कि उसको नीचे ले जाए उस पोजीशन में जहाँ से उसको उठा सके, उसको रेस्टोर कर सके। आप में से बहुत से लोग अवाक हो जाएंगे ये समझ के कि आपसे एक्चुअली गॉड ही लड़ रहे हैं। बहुत से लोग जो आज उस घमंड की अवस्था में हैं, जो कठोर हैं, जो मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन दिल कोसों दूर है, वो सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि आज उनसे कोई और नहीं, गॉड खुद लड़ रहे हैं। जिस भी आदमी गमन करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको ग्रेस की जरूरत है, और फिर वो अपनी असली कंडीशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो झूठ बोलेगा। आपने अपने आप को खुद बुलाया नहीं, आपने आपको अपने आप को खुद बचाया नहीं, अपने आप को खुद गिफ्ट दिए नहीं, अपने आप को खुद इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को खुद अगुवाई नहीं की, ये सब परमेश्वर ने आपने आपके और मेरे साथ किया है।
हमने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, रिस्पॉन्ड किया, उसके ग्रेस को रिसीव किया, हमारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। जब एक व्यक्ति उस बात को समझता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसको मालूम है मुझे ग्रेस की ज़रूरत है, एंड गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल।